इसराइल ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला और ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि हम अपने सारे दुश्मनों को हमास की तरह मिट्टी में मिला देंगे। इसराइल की इस धमकी के बाद ईरान ने एक बड़े प्लान पर तैयारी शुरू भी कर दी है। खबर आ रही है कि रूस के इशारे पर अब ईरान और हिजबुल्ला मिलकर इसराइल पर हमला कर सकते हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया है। ईरान और हिजबुल्ला पर एक साथ बमबारी। इजरायली सेना उत्तरी गाजा को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर चुकी है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के भीषण हमलों ने फिलिस्तीनियों के चीथड़े उड़ा दिए हैं, जबकि दक्षिणी गाजा में छिपे बैठे हमास के कमांडर और लड़ाकों को इजरायली सेना इस वक्त चुन चुन कर मार रही है। उत्तरी गाजा में जबरदस्त गदर मचाने के बाद अब इजरायली वायुसेना के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने ऐलान कर दिया है कि पूरे मिडल ईस्ट में कहीं भी और कभी भी इजरायली वायुसेना प्रचंड बमबारी करने की ताकत रखती है। ईरान और हिजबुल्ला को सीधा चैलेंज देते हुए साफ कहा कि अगर उनकी सेना इजरायल से सीधी जंग करना चाहती है तो एक बार करके देख ले। मिडल ईस्ट को गाजा बना देगा आइडिया। हमास के चीफ हानिया, हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को लग रहा था कि सऊदी अरब में ओआईसी की बैठक में 57 अरब और मुस्लिम देश मिलकर इजरायली सेना को सबक सिखाने पर बड़ा एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन रियाद में हमास को बचाने का एक भी बड़ा एक्शन मुस्लिम देश नहीं ले पाए। यहां तक कि ईरान और लेबनन भी धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इधर इजरायली वायुसेना ने ईरान, लेबनन और हिजबुल्ला लड़ाकों के खिलाफ बड़े हवाई हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजरायल के तेवरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को गाजा बना देना चाहता है। जरा देखिए इजरायली वायुसेना के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने क्या ऐलान किया है। ईरान और हिजबुल्ला पर एक साथ बमबारी। इसराइल के एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने टीवी पर ऐलान किया है कि जरूरत पड़ने पर पूरे मिडल ईस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इसराइली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से ईरान और हिजबुल्ला के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। इसराइल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं, उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमारे जवानों ने हजारों आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है। हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे। हमास के किसी भी ठिकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल की वायुसेना पूरे मध्य पूर्व में जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसराइल ने दी बहुत बड़ी जंग की धमकी। इजरायली सेना का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने चुन चुन कर हमास के ठिकानों को तबाह किया है। अब तक गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा बमों से इजरायल हमला कर चुका है, जबकि 500 से ज्यादा टैंकों, बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों ने उत्तरी गाजा में हमास की रीढ़ तोड़कर रख दी है। हमास के 70 के करीब कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। हमास के 650 के करीब सुरंगें इजरायली सेना तबाह कर चुकी है। अब तक इजरायली सेना से सीधी जंग में हमास के 9,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। 50 से ज्यादा मस्जिदों को इजरायली सेना तबाह कर चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने मस्जिदों को हमला करने का अड्डा बना रखा था। कई मस्जिदों के नीचे मिली सुरंगों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। लगभग 1.5 महीने की जंग में इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का सूपड़ा साफ कर दिया है। अब तक 12,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। तो सदीर लकोह बिटवख शिल 200 मीटर मेकोह लो असीनु दवर कजे
עם חימוש מאוד כבד, קשר מאוד טוב בין מה הכוח צריך לבין מה המטוס יודע לתת, והחיבור הזה של אוויר ויבשה ביחד, תמיד ידענו שהוא חזק, אנחנו רואים שהוא הרבה יותר חזק ממה שידענו. लेकिन इधर ईरान से लगातार इजराइल की तनातनी चल रही है। वहीं हिजबुल्ला ने हाल के दिनों में कई बार इजरायली सेना को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले शुरू करने के बाद से लेबनान के ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला ने लगातार नए मोर्चे खोलने की धमकी दी है। लेबनान और हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं। ये संगठन हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल और अमेरिका को निशाना बना रहे हैं। खास तौर से हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर मोर्टार और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने हाल ही में इजरायल को धमकी देते हुए कहा था कि अगर लेबनान पर हमला हुआ तो फिर हमारी जंग इजरायल के विनाश के साथ खत्म होगी। ईरान, लेबनान और हिजबुल्ला की तरफ से हमलों और धमकियों के बाद अब इजराइल इन सभी से सीधी जंग करने की चेतावनी दे रहा है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हमास के लड़ाकों और उनका साथ देने वालों को छोड़ेंगे नहीं। نريد دواء نريد مصابينا نريد نسل أبنانا نريد أن اللجان يقفوا معانا أين الدول العربية أين المسلمين كلنا مع الفاضي إحنا بنطالب بس بنا دواء بنا دواء بنا أطباء بنا ندفن أولادنا بالقذين نجيبهم بيت حنون دمرت بيت لاهيا دمرت بالكامل الضحايا والشهداء بالمال كيف نقلتوهم حاج كيف نقلتوهم تساعدونا لا نريد أكل ولا نريد سلاح पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की लाख चेतावनी देने के बावजूद ईरान बंकरों में छिपे अपने घातक हथियारों से इजराइल पर बड़े हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान शाहिद सीरीज के आत्मघाती ड्रोन तैयार कर चुका है। इसके अलावा मोहाजे 10 अराश 2 ड्रोन भी ईरान के बेहद घातक हथियार है जो इजरायली शहरों को दबा कर सकते हैं। इजराइल हमास के युद्ध में ईरान सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस बीच ईरान की ओर से कहा गया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने में हर तरह की मदद हमास को दी जाएगी। ईरान की सरकारी मीडिया की ओर से एक पत्र जारी किया गया। यह पत्र ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख मोहम्मद दईफ को लिखा है। इसमें कहा गया कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास की मदद के लिए जो कुछ भी करना होगा वो ईरान करेगा। इस्माइल खानी ने पत्र में ये भी लिखा है कि हम अपने भाईचारे की प्रतिज्ञा पर कायम हैं, जो हमें एकजुट करती है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमें इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار میدهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی इससे पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया से कहा था कि ईरान इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले की पूर्व सूचना ईरान को नहीं दी थी। लेकिन अब ईरान हमास और मुस्लिम मुल्कों के लिए इजराइल को तबाह करने के लिए जंग को तैयार हो चुका है। मिडल ईस्ट को गाजा बना देगा IDF। इधर दूसरी तरफ गाजा में भयानक कदर मचा हुआ है। ईरान के साथ मिलकर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिण और उत्तर के इलाकों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायली सेना के अड्डों पर भीषण रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहे हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन भी गाजा युद्ध में गदर मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
इसराइल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ के जियतून, खान यूनिस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इसराइल के खिलाफ हमला करते थे। इसराइली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच बे टावर को मलबे में बदल दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद कर दिया। इसराइल ने दी बहुत बड़ी जंग की धमकी। हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इसराइल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनमें से फज्र 3 43 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि फज्र 5 75 किलोमीटर तक तबाही मचाती है। ईरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है। इसके अलावा हमास हथगोलों और विस्फोटकों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आरपीजी से सबसे ज्यादा हमले सुरंगों से हमास इजरायली सेना पर कर रहा है। विस्फोटक बेल्ट भी हमास के लड़ाके आईडीएफ के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें हमास का अचूक हथियार इस वक्त साबित हो रही हैं। ईरान और हिजबुल्ला पर एक साथ बमबारी। हमास का हाथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इसराइल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है। इसराइल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक हैं। इसराइल की 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इसराइल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब ऐसे हालात के बीच इसराइल का ये कहना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता है। ये दावा वाकई हैरान करने वाला है।